दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क म्यूजिक क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कॉल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम सबसे पहला हम एयर ड्राई मॉइस्चर देखने वाले हैं, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर इसका टेस्ट प्रोसीजर की क्या क्या इसमें टेस्ट प्रोसीजर है, राइट। तो ये दोनों टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इसी वीडियो में एयर ड्राई मॉइस्चर क्या होता है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर ड्राई मॉइस्चर। जनरली आपने देखे होंगे कि एयर ड्राई मॉइस्चर में आपको सैंपल करना है, एयर ड्राई मॉइस्चर में आपको रिजल्ट देना है, ऐसा आपने बहुत बार सुने होंगे। तो एयर ड्राई मॉइस्चर क्या होता है, जनरली हमको कोयले को सुखाना होता है कि कोयले में जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर बोले तो क्या रहता है, मॉइस्चर दो प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, क्या हो जाएगा, सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंट मॉइस्चर, दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। तो जब मॉइस्चर कोल में प्रेजेंट रहेगा, जब हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा, 100% जल नहीं पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले हम सुखाते हैं, सुखाने को ही बोलते हैं एयर ड्राई मॉइस्चर, राइट। एयर ड्राई मॉइस्चर रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, 24 आवर्स के लिए उसको सुखा देते हैं। अब सुखाते हैं तो क्या होता है, होमोजीनियसली वो क्या होता है, जब जलाएंगे तो जलेगा, है ना, जलेगा तो क्या होगा, उसका हमको एक्चुअली में जो GCV वैल्यू है वो मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, उस कोल में थोड़ा सा नमी है, नमी के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका GCV वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हो सकता है 100% ना जले या 100% हमको उसका GCV वैल्यू ना मिले। लेकिन क्या होता है, इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एयर ड्राई मॉइस्चर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एयर ड्राई मॉइस्चर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुखाते हैं सैंपल को 300 ग्राम लगभग। आपको नॉन सैंपल ही करना है, याद रखिएगा आपके पास जो सैंपल रहेगा वो नॉन अमाउंट में होना चाहिए। जैसे हम 300 ग्राम सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, एयर ड्राई सैंपल के लिए डाल रहे हैं। एयर ड्राई सैंपल को हम क्या करते हैं, फिर फर्दर आगे एनालिसिस करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट जरूरत रहेगा। तो हमको सबसे पहला क्या लगेगा, डेसिकेटर लगेगा, पेट्री डिश, वेट मशीन, कोल सैंपल लगेगा, है ना, और हमको क्या लगने वाले हैं, हॉट एयर ओवन। ये सब हमारे पास रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एयर ड्राई भी हम रखे थे सैंपल, उस सैंपल को हम वापस लाते हैं। लाने के बाद क्या करते हैं, उसमें से मान लो हम 2 से 2 ग्राम लेते हैं सैंपल, एक डिश में लेते हैं 50 mm डाया का, याद रखिएगा 50 mm डाया का सैंपल में हम क्या करते हैं, 2 ग्राम सैंपल लेते हैं, राइट। 2 ग्राम सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हॉट एयर ओवन में 108 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए रखते हैं। फिर 1 घंटे बाद क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। करने के बाद उसको हम डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेट लॉस हुआ है। जो वेट लॉस हुआ होगा उसको उस वेट लॉस को हम किसमें काउंट करेंगे, इनहेरेंट मॉइस्चर में उसको रिपोर्ट करने वाले हैं, राइट। अब हम क्या करें, वेट करने के बाद जो सैंपल बचा उसको फेंकना नहीं है, उससे हमको 1 ग्राम फिर से सैंपल दूसरे डिश में लेना है, दूसरे 50 mm डाया के डिश में लेना है। दूसरे 50 mm डाया के डिश में लेते हैं 1 ग्राम, फिर उसको हम क्या करते हैं, हॉट एयर में वापस 2 घंटे के लिए रख देते हैं। याद रखिएगा इस टाइम जो हमारे पास क्या रहेगा, डिश का ढक्कन रहेगा हॉट एयर ओवन के अंदर खुला रहना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए रखते हैं। 2 घंटे बाद क्या करते हैं, वापस निकालते हैं, है ना। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, याद रखिएगा 2 घंटे वाले में, तो सबसे पहले हमने डिश का वेट लिया है, डिश का वेट ले लिए, उसके बाद हम उसमें 1 ग्राम सैंपल डाले, सैंपल डालने के बाद हम कोल हॉट एयर ओवन में 2 घंटा के लिए रखे। 2 घंटे बाद हम वापस निकालते हैं, वापस निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको वेट लेते हैं। पहले ठंडा डेसिकेटर में करना है, डेसिकेटर में ठंडा कर दिए, फिर हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ADM, याद रखिएगा ADM बराबर क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इनटू 100। तो उसके बाद जो मॉइस्चर निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, ADM मॉइस्चर रहेगा, राइट। इसको थोड़ा समय कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एयर ड्राई में याद रखिएगा AD में हमने 300 ग्राम सैंपल को हमने 24 आवर्स के लिए रखा, ठीक है। 24 आवर्स के लिए हमने 300 ग्राम सैंपल को कितने घंटे के लिए रख दिया, 24 आवर के लिए। इसी सैंपल को हम फिर क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल, तो मान लो 2 ग्राम सैंपल लेते हैं, क्योंकि 1 ग्राम हमको आगे फिर से लेना है। 2 ग्राम सैंपल को हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा हॉट एयर ओवन में जिसका टेम्परेचर 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में हम कितने घंटे के लिए रखते हैं, तो 1 घंटे के लिए रखते हैं, राइट। अब इसमें जो वेट लॉस होगा, ये जो हमारे पास इसी 2 ग्राम का जो वेट लॉस होगा उसको हम किसमें काउंट करते हैं, तो IM में काउंट करते हैं, IM में रिपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा इसको IM में रिपोर्ट कर दिए। अब फिर इसी 2 ग्राम सैंपल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा सेकेंड जिसका प्री वेट ले लिए हैं पेट्री डिश का, उसका मान लो W1 इसका हम कितना मान लिए हैं, 20 ग्राम इसका हम क्या मान लिए, वेट मान लिए। हम एक एम्प्टी डिश लिए हैं, उस एम्प्टी डिश को वेट लिए हैं, तो वेट लेने पर हमको पता चला उसका वेट कितना है, 20 ग्राम है। इस 20 ग्राम सैंपल में यहाँ पे जो पहले से हम रखा हमको मिला है उसमें से 1 ग्राम हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अब इस सैंपल लेते हैं तो इसका वेट क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा।
अब डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन करते हैं तो हमको सिंपल का वेट पता चल जाता है, मतलब 21 माइनस 20 करते हैं तो हमको सिंपल का वेट जो 1 ग्राम है एक्चुअल में हमको पता चल गया, राइट। हमारा सिंपल का वेट कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। इस 1 ग्राम सिंपल को हम क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स के लिए 108 का प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में हम रखते हैं, राइट। हॉट एयर ओवन में रखने के बाद क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डेसिकेटर में, याद रखिएगा डेसिकेटर में उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसको वेट लेते हैं। इस प्रकार से आपको डेसिकेटर का एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, डेसिकेटर होता है। डेसिकेटर भी 3 अलग अलग साइज का रहता है, राइट। ये हो सक, एक होता है बड़ा, मीडियम, छोटा, है ना, बड़ा फिर मीडियम फिर छोटा, 3 साइज आपको डेसिकेटर का देखने को मिलेगा। आप अपने सुविधा के अनुसार जो भी डेसिकेटर यूज करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास डेसिकेटर में 2 घंटे बाद हम इसमें ठंडा किए, ठंडा करने के बाद इसका हम वेट लेते हैं जो कि क्या रहेगा, W3 रहेगा। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, ये W3 का क्या हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं। तो मान लो 20.95 आता है। अब कितना वेट लॉस हुआ है इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो W2 माइनस W3 करते हैं। W2 कितना है हमारे पास, 21 है। W3 हमारे पास 20.95 है। हमको दिख रहा है कि 0.05 ग्राम, याद रखिएगा 0.05 ग्राम हमारा क्या हुआ है, 2 घंटे में वेट लॉस हुआ है उस सिंपल में, एयर ड्राई सिंपल में 2 घंटे में हमारे, हमको कितना वेट लॉस हुआ है, तो 0.05 ग्राम वेट लॉस हुआ है। तो इसका हमारा फार्मूला ADM, याद रखिएगा ADM क्या है, एयर ड्राई मॉइस्चर। इसका फार्मूला होता है वेट लॉस डिवाइडेड बाई सिंपल वेट इंटू 100। ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्या है, आपको फार्मूला मिल जाएगा, जितने जगह मॉइस्चर रहेगा सेम फार्मूला अप्लाई होगा। तो कितना वेट लॉस हुआ है, तो 0.05 ग्राम हुआ है। और सिंपल वेट हमने यहाँ पे देखा था 1 ग्राम देखा था, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। जब पूरा टर्म्स को आप कैलकुलेट करते हो तो 5% आपका क्या आता है, मॉइस्चर आता है। मतलब इसका देखते हैं ADM का परसेंट देखते हैं तो कितना आता है, 5%। मतलब इस कोल में कितना परसेंट मॉइस्चर है, 5% मॉइस्चर है, इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम इस कोल को हम अगर GCB निकालते हैं तो ये 101% अपना रिजल्ट सही देने वाला है, राइट। तो हमने क्या देखा आज, एयर ड्राई मॉइस्चर देखा। एयर ड्राई मॉइस्चर कैसे निकालते हैं आपको बता दिए। सबसे पहले हमको 24 घंटे के लिए क्या करना है, उसको एयर ड्राई में रखना है। फिर उसमें से 2 ग्राम सैंपल को हमको लेके हमको क्या करना है, हॉट एयर ओवन में रखना है। जो वेट लॉस आएगा उसको हमको इनहेरेंस मॉइस्चर में क्या करना है, रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सैंपल बचा है, इनहेरेंस मॉइस्चर निकाले हैं, उसी सैंपल को हमको 2 ग्राम से 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम सैंपल को हमको क्या करना है, 2 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में रखना है। उसके बाद डेसिकेटर में रख के हमको वेट लॉस देखना है कि कितना वेट लॉस हुआ 2 घंटे में। फिर उसको हमको क्या करना है, इस फार्मूला में कैलकुलेट करना है। फिर हमको जो परसेंट आएगा वो ADM का परसेंट होगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।